नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीर सरामी कैलिस्टिक पैटर्न के विषय में विस्तार से समझाऊंगा। बीर सरामी कैलिस्टिक पैटर्न कैलिस्टिक का ही एक पैटर्न है। जापान के लोगों ने बीरिस कैलिस्टिक पैटर्न का नाम एक गर्भवती महिला के ऊपर रखा है, क्योंकि ये कैलिस्टिक पैटर्न चार्ट में या ऐसे कहें कि इसकी आकृति कुछ इसी प्रकार की दिखाई देती है। बीरिस हरामी कैलिस्टिक पैटर्न एक बीरिस कैलिस्टिक पैटर्न है, यानी कि मंदी को प्रदर्शित करने वाला कैलिस्टिक पैटर्न, जिसका मतलब है कि अब वस्तु में तेजी समाप्त हो गई है और मंदी की शुरुआत होने वाली है। बीरिस हरामी कैलिस्टिक पैटर्न दो कैंडल से मिलकर के बनता है। नंबर वन कैंडल लॉन्ग बुलिस कैलिस्टिक यानी कि लंबी तेजी की कैंडल होती है और इसका रंग ग्रीन होता है। नंबर टू कैंडल स्मॉल बीरिस कैंडल होती है और इसका रंग रेड होता है। बीरिस हरामी कैलिस्टिक पैटर्न में नंबर वन कैंडल माँ का रोल करती हैं और नंबर टू कैंडल बेबी का रोल करती हैं। ये कैलिस्टिक पैटर्न चार्ट में कुछ माँ और बेबी की तरह दिखाई देता है, और इसको आप याद रख सकते हैं कि जो लॉन्ग कैंडल है वो मदर और छोटी कैंडल है वो बेबी का रोल करेगी। बीरिस हरामी कैलिस्टिक पैटर्न चार्ट में लंबी तेजी के बाद टॉप में बनता है। ये कैलिस्टिक पैटर्न लंबी तेजी के बाद चार्ट के टॉप में बनने के बाद में उम्मीद की जाती है कि अब यहाँ से मार्केट में गिरावट आएगी और तेजी की संभावना समाप्त हो गई है। बीरिस हरामी कैलिस्टिक पैटर्न में देखने वाली बात यह है कि जो पहली कैंडल है वो लॉन्ग बुलिस कैलिस्टिक या लंबी तेजी की कैंडल होती है, और जो सेकेंड कैंडल होती है वो पहली कैंडल के क्लोज प्राइस के बराबर या उससे नीचे ओपन होती है, पहली कैंडल के ओपन प्राइस के मध्य ही ट्रेड करती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दूसरी जो कैंडल होती है वो पहली कैंडल की रियल बॉडी के अंदर ही ट्रेड करना चाहिए। यदि दूसरी कैंडल पहली कैंडल के हाई या लो को ब्रेक करती है तो ये एक इनवैलिड कैलिस्टिक पैटर्न होगा। बीर सरामी कैलिस्टिक पैटर्न में वॉल्यूम का विशेष महत्व होता है। पहली कैंडल का जितना वॉल्यूम होता है उससे अधिक वॉल्यूम दूसरी कैंडल का होना चाहिए, या ऐसा कह सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ते क्रम में होना चाहिए। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि इस कैलिस्टिक पैटर्न में वॉल्यूम घटते क्रम में होने के बावजूद भी इसमें रिजल्ट अच्छे आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कैलिस्टिक पैटर्न में कुछ हद तक बदलाव की गुंजाइश होती है। बीरिस हरामी कैलिस्टिक पैटर्न में पहली कैंडल मारूबाजू और दूसरी स्मॉल बीरिस कैंडल भी हो सकती है। इस प्रकार चार्ट में ये कैलिस्टिक पैटर्न दो प्रकार के बन सकता है। पहले रूप में पुलिस लॉन्ग कैलिस्टिक के साथ में स्मॉल बीरिस कैलिस्टिक होती है, और दूसरे प्रकार में बुलिस मारूबाजू कैलिस्टिक के साथ में बीरिस स्मॉल कैंडल होती है। माना कि कल चार्ट में बीरिस हरामी कैलिस्टिक पैटर्न बन गया था और नेक्स्ट दिन भाव अच्छी मंदी के साथ यानी कि गैप डाउन ओपन होते हैं। यदि इस प्रकार का सिनेरियो चार्ट में बनता है तो ये सेलिंग करने का इंडिकेशन होता है, और इसके आधार पर सेलिंग करके अच्छा प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। बीरिस हरामी कैलिस्टिक पैटर्न सभी प्रकार के सेगमेंट इक्विटी क्रूड कमोडिटी करेंसी और फॉरेक्स चार्ट में बनता है। ये इंट्राडे चार्ट डेली चार्ट वीकली चार्ट और मंथली चार्ट सभी प्रकार के चार्ट में देखने को मिलता है, और ये एक आम कैलिस्टिक पैटर्न है जो कि कई बार बनता है। यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको बीरिस हरामी कैलिस्टिक पैटर्न को 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखकर इसका एनालिसिस करके इसके आधार पर अपने ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए। यदि आप स्विंग ट्रेडर इन्वेस्टर हैं तो आपको बीरिस हरामी कैलिस्टिक पैटर्न को डेली चार्ट वीकली चार्ट मंथली चार्ट में देखना चाहिए और उसके आधार पर अपने ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि बीरिस हरामी कैलिस्टिक पैटर्न चार्ट में कैसे बनता है और इसके बनने के बाद मार्केट में क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह समझते हैं कि बीरिस हरामी कैलिस्टिक पैटर्न कैसे काम करता है। माना कि कल चार्ट में बीरिस हरामी कैलिस्टिक पैटर्न बन गया था, और अगले दिन जो नई कैंडल है वो अच्छी मंदी के साथ यानी कि गैप डाउन ओपन होती है। तो इस प्रकार का सिनेरियो होने पर हमें मार्केट में सेलिंग करना है, या जब तक कोई कैंडल बीरिस हरामी कैलिस्टिक पैटर्न बनने के बाद में बीरिस हरामी कैलिस्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं हो जाती है तब तक हमें मार्केट में एंट्री नहीं करना चाहिए। और जैसे ही कोई कैंडल बीरिस हरामी कैलिस्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो जाती है उसके नेक्स्ट कैंडल में हमें सेलिंग करना है,
और सेलिंग करने के तुरंत बाद बीयर सिरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है और ये स्टॉक मार्केट में काम करने का एक बेसिक नियम है। फ्रेंड्स, बीयर सिरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न में कुछ बातें हैं जिनका हमेशा विशेष ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, बीयर सिरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न में कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। सेकेंड कैंडल को कम्प्लीटली यानी कि पूरी तरह पहली कैंडल के रियल बॉडी या ऐसे कह सकते हैं कि ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस के मध्य ही ट्रेड करना चाहिए। बीयर सिरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न में पहली कैंडल बुलिश मारुबाजू कैंडलस्टिक भी हो सकती है। बीयर सिरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के लो के नीचे जब तक नई कैंडल क्लोज नहीं होती है तब तक ट्रेड नहीं करना चाहिए यानी कि सेलिंग नहीं करना चाहिए। बीयर सिरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न में सेकेंड कैंडल जितनी अधिक चोटी होती है ये कैंडलस्टिक पैटर्न इतना अधिक इफेक्टिव होता है। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं कि चार्ट में बीयर सिरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न किस प्रकार बनता है और इसके बनने के बाद में ट्रेड कैसे लेते। आप देख सकते हैं कि चार्ट में एक लंबी तेजी के बाद में चार्ट के टॉप में एक बीयर सिरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद में इस कैंडलस्टिक पैटर्न की नंबर वन कैंडल का जो लो है उसके नीचे जब तक कोई कैंडल क्लोज नहीं होती है तब तक हम ट्रेड नहीं लेते। आप देख सकते हैं कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न में ये जो कैंडल है ये बीयर सिरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न की नंबर वन कैंडल के नीचे क्लोज होती हैं। तो क्लोज होने के बाद में इसका जो नेक्स्ट कैंडल है इसमें हम सेलिंग करेंगे और फ्रेंड्स सेल करने के तुरंत बाद बीयर सिरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न की जो नंबर वन कैंडल है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे। इस प्रकार ट्रेड इनिशिएट करने के बाद आपको तब तक ट्रेड में बने रहना है जब तक कि चार्ट के अंदर कोई ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई नहीं देता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कैंडलस्टिक का एक पैटर्न बीयर सिरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने में मदद मिली होगी। और फ्रेंड्स बीयर सिरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट में हमेशा बनता रहता है, सभी प्रकार के सेगमेंट में बनता है और इसके आधार पर ट्रेड लिया जाता है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारा ट्रेड सक्सेस होता है। और वैसे भी कैंडलस्टिक टेक्निकल एनालिसिस में एक रीढ़ की हड्डी का रोल करती है, इसलिए आपको यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और मार्केट की दिशा का अनुमान स्विंग ट्रेड या उसके लिए लगाना चाहते हैं तो आपको कैंडलस्टिक की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो इस क्रम में एक मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।